प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग मैथ्स पढ़ाना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में जहां तक के पढ़े थे, उसके आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं 5.3 का, एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स का 5.3 में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, उसका कुछ क्वेश्चन किए थे एग्जांपल के तौर पे, यानी कि जो 5.3 का जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं, और कुछ क्वेश्चन अब हम लोग को शुरू करना है 5.3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, प्यारे छात्र, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगर कोई भी समीकरण रहेगा तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करके इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसको करने के लिए हम लोग जो रूल सीखे हैं वो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहां क्या बनेगा, LHS में बनेगा d2x बटा dx, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहां बनेगा d3y बटा dx, बराबर के उस साइड भी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां होगा sin x बटा dx। प्यारे छात्रों, हम लोगों को पता है कि अगर कोई कांस्टेंट रहता है डिफरेंशिएशन में उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये 2 है, उसको अगर बाहर करेंगे तो बनेगा dx बटा dx प्लस ये 3 है कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे तो बनेगा क्या, dy बटा dx इज इक्वल टू। प्यारे छात्रों, इसको तो आपको फार्मूला याद होगा, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो फुल्ली होता है कॉस एक्स, और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है का मतलब प्यारे छात्रों dy by dx निकालना है। आपको किसी भी तरीके से, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मेथड्स अपनाना हो, हमको तो फोकस करना है कि dy by dx निकालना है। तो अब इसका dy by dx कैसे निकालेंगे वो जरा समझेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के तौर में भी हम लोग कुछ सीखे हैं क्वेश्चन, dx का वैल्यू होता है 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे छात्रों 2 होगा, और फिर 3, और ये dy by dx को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रख देना है, dy by dx इज इक्वल टू cos x। प्यारे छात्रों, अब हम लोग dy by dx का वैल्यू चूंकि निकालना है तो पहले ये 2 है उसको करेंगे उधर, तो यहां बनेगा क्या, 3 dy by dx dy by dx इज इक्वल टू, यहां cos x है, इधर प्लस में 2 है, तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos x माइनस टू। अब चूंकि dy by dx का वैल्यू निकालना है तो इसलिए dy by dx का वैल्यू यहां 3 जो है गुना में है, इसलिए हम उसको भागा में ले जाएंगे, तो cos x माइनस टू बटा में 3। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। तो प्यारे छात्रों, अगर कोई भी समीकरण रहे और फिर हमें डिफरेंशिएशन करना रहे, यानी कि dy by dx का मान निकालना रहे, तो आप ऐसे ही आप चलेंगे, यानी कि dy by dx का मान निकालना था इसलिए बाद बाकी जो चीज थी उसको एक साइड कर दिया और dy by dx का मान निकाल दिया, यानी कि समीकरण जो दिया रहेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, प्यारे छात्रों आपको दिमाग लगाना होगा कि हम क्या करें कि dy by dx का मान निकल सके। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, ये आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप सीरियली वाइज करते हैं। प्यारे छात्रों, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम लोग एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो अगर किन्हीं छात्रों को दूसरा में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में आप दूसरा का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन, जो जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर दिए हैं उसमें दोबारा से समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहां से जाके इस सॉल्यूशन को, यानी कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे।
तो तीसरा नंबर भी एक मेरा क्वेश्चन है, किस तरह का है भाई, तो ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, इस तरीके का क्वेश्चन। अब प्यारे छात्रों हमको इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, और डिफ्रेंसिएशन का मतलब प्यारे छात्रों हमको dy by dx निकालना है। अब डिफरेंसिएशन का मतलब तो dy by dx, अब जरा समीकरण रहता है तो हम लोग तो पहला पॉइंट तो यही लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हम लोग तो पहला काम यही करते हैं। और ये काम करेंगे तो यहां LHS में लिखेंगे d ax बटा dx प्लस d by स्क्वायर बटा dx d cos y बटा dx, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा लेंगे। अब प्यारे छात्रों एक चीज आप समझिए कि अक्सर जो होता है ना a b c d ये सब कांस्टेंट होता है, ये सब स्थिरांक होता है और इसको हम लोग बेहिचक इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपको एक्स वाई रहे तो एक्स वाई रहे इसका मतलब x भी कांस्टेंट नहीं है y भी कांस्टेंट नहीं है। अक्सर आप देखे होंगे कि अगर कोई मैथमेटिक्स में मानने वाला जो चीज होता है, माना कि सपोज इतना बराबर एक्स या वाई या जेड, ये सब चीज जो है ना वेरिएबल में आता है, यानी कि वेरिएबल का मतलब चर मान, और ये सब जो है अचर वैल्यू है, जैसे ए बी सी डी ये सब, यानी कि शुरुआती का जो अल्फाबेट का शुरुआती का जो अक्षर होता है वो एक कॉन्स्टेंट माना जाता है, लेकिन अल्फाबेट का लास्ट वाला है, जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या है, चर मान है, वेरिएबल वैल्यू है। इसलिए अक्सर बहुत सारे लोग क्या किए कि यहां एक्स को बाहर निकाल दिए, पहले छात्रों आप गलत कर रहे हैं, इसको एक्स भी चूंकि चर मान है वाई भी चर मान है तो इसको यू इंटू भी पे तोड़ा जाता है। अक्सर जैसे मान लिया कि यहां पे एक्स है, अगर इसी पे एक्स वाई रहता तो कभी भी हम एक्स को बाहर नहीं निकालते, ये आपका प्रोसेस ही गलत है, क्योंकि आप यहां पे इसलिए एक्स को बाहर निकाल रहे हैं ताकि आपको लग रहा होगा कि कांस्टेंट है तभी ना निकाले, हालांकि ये गलत है। ये जब भी काम होगा तो गुना वाला पे काम होगा, यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं कि यू को बाहर करो भी का डिफरेंशिएशन प्लस दो, भी को बाहर करो यू का डिफरेंशिएशन करो। तो मेरा कहने का मतलब कि कहां पे समझना है कि इंटू अलाउ, कहां पे समझना है कि इसको बाहर किया जाए कांस्टेंट समझकर, आप यही तो मैथ्स है, आप इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस करिए मैथ में, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कहां पे कांस्टेंट होता है, कहां पे वेरिएबल होता है, कहां पे मल्टीप्लाई वाला रूल अपनाना है, कहां पे कांस्टेंट को बाहर करना है। तो इन चीजों को आप बेहद तरीके से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सफल हो पाइएगा। फिलहाल यहां पे ax है तो हम यहां a को कांस्टेंट समझना है, तो a को जैसे ही बाहर करेंगे तो प्यारे छात्रों a को हम बाहर कर लिए तो अब बचेगा क्या, dx by dx, हम यहां पे ब्रैकेट लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे b कांस्टेंट है तो जब b कांस्टेंट रहता है प्यारे छात्रों बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल दिया, अब क्या बच रहा है तो अंदर में डी वाई स्क्वायर बच रहा है। अब प्यारे छात्रों जब डी वाई स्क्वायर है तो अब किसको रिस्पेक्ट में करेंगे वो आपको अपना दिमाग लगाना होगा, यानी कि वही बात चैन रूल, यहां पे वाई का स्क्वायर है तो ये फार्मूला पे तभी ना आएगा जब नीचे डी वाई रहेगा, तभी तो पावर का फार्मूला लग सकता है, तो यहां पे डी वाई किया और फिर नीचे वाला जो बात है उसको ऊपर लिखा डी वाई बट्टा डी एक्स, नीचे वाला ऊपर फिर डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड भी देखिए तो ऊपर क्या है डी कॉस वाई बटा, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में किया जाए प्यारे छात्रों तो कॉस के बगल में वाई है, यानी कि यहां करना पड़ेगा डी वाई तभी ना ये फार्मूला पे आएगा, और फिर नीचे वाला को ऊपर यानी कि डी वाई बटा डी एक्स। अब चलिए यहां पे आगे काम करते हैं, तो ए का ए लिखा जाए क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा प्यारे छात्रों वन प्लस बी इंटू, जब पावर का फार्मूला आपको याद होगा कि जो पावर रहता है उसको पहले लिख दिया जाए, ये तो भी ऑलरेडी बाहर था तो बाहर कर दिए, और जो आधार है आधार क्या है वाई, और पावर में एक घटा के लिखते हैं तो दो में से एक गया एक लिखें
या ना लिखे बात बराबर है। फिर से इंटू क्या डीवाई बटा डीएक्स इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंसिएशन प्यार छात्रों माइनस साइन एक्स एक्स रहता तो एक्स यहां वाई है तो यहां वाई डीवाई बटा डीएक्स। प्यार छात्रों अब हम लोग जानते हैं कि जो डीवाई बाई डीएक्स का हमको वैल्यू निकालना है तो उसको यहां पे भी डीवाई बाई डीएक्स है यहां पे भी डीवाई बाई डीएक्स है तो क्यों ना डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू जो है एक तरफ ला दें। तो अब हम लोग इसको एक तरफ लाएंगे तो ऊपर से हम लोग मिटाएंगे ताकि स्पेस का प्रॉब्लम है जगह नहीं है तो इस डीवाई बाई डीएक्स को लिख सकते हैं इधर टू बी वाई डीवाई बाई डीएक्स और इधर माइनस में है पूरा डीवाई बाई डीएक्स वाला भाग इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा साइन वाई डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू इधर प्लस में ए है उधर जाएगा तो माइनस में ए हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा किए कि डीवाई बाई डीएक्स वाला को किसी एक साइड करना है अगर आपकी मर्जी आप एलएचएस में भी ला सकते हैं पूरा डीवाई बाई डीएक्स को नहीं तो आप बोल सकते थे कि सर डीवाई बाई डीएक्स को एक तरफ करना है तो क्यों ना हम इस पूरा को राइट साइड ले जाते तो जी बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं यहाँ पे प्लस था तो वहां पे जाता तो माइनस हो जाता। देखिए डीवाई बाई डीएक्स को एक तरफ करने का भी मेरा मकसद है इसलिए हम इसको एक साइड कर रहे हैं ताकि डीवाई बाई डीएक्स को हम लोग कॉमन कर सके। तो जब डीवाई बाई डीएक्स को जब कॉमन कर लिए तो यहां बच रहा है टू बी वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या तो माइनस ए। अब चूंकि प्यारे छात्रों हम डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू निकालना है तो क्यों ना इस गुना वाले चीज को हटा दिया जाए तो नीचे क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो अब चूंकि अब मेरा आंसर आ चुका है कितना तो इसलिए डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ए बटा ये चूंकि गुना में है ना पूरा तो बटा हो जाएगा टू बी वाई प्लस साइन वाई। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है। जरा देखते हैं कि आंसर जो है कैसे दिया है या फिर सेम है या फिर कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट होता है तो अक्सर ये एनसीईआरटी देता है डिफरेंट तो अगर डिफरेंट रहेगा तो हमें मिलाना पड़ेगा जी नहीं हम लोग का जो आंसर है वो सही है बस अर्थे ये माइनस को यहां लिख दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब उसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर फोर बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है आप इसको अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर फोर को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर है चार नंबर सवाल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई ये हम लोगों का क्वेश्चन है। छात्रों अब हमको इसको करना है डिफरेंशिएशन बोले तो डीवाई बाई डीएक्स अब इसको डीवाई बाई डीएक्स निकालना है तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड हम लोगों को दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ तो यहां एलएचएस में कैसे लिखेंगे डी एक्स वाई बटा डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स इसको लेकर डी टेन एक्स बटा डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब इसके आगे हम लोगों को काम करना होगा। प्यारे छात्रों आप यहां पे देख रहे बहुत सारे लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम है एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत सारे लोग ये समझ जा रहे हैं कि सर एक्स जो है कांस्टेंट है तो हम बिल्कुल इसको बाहर कर लिए। प्यारे छात्रों आपका गलत क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो शुरुआती का अक्षर होता है ए बी सी डी ए सब लगा रहे तब आपको स्थिरांक समझना है तब उसको बेहिचक बाहर कर लेना है लेकिन अगर अल्फाबेट का लास्ट वाला अंक मिले कोई भी अक्सर एक्स वाई होता है जेड नहीं होता है तो अगर एक्स और वाई रहे तो उसको हम लोग को वेरिएबल मानना है
तब वहां पे लगाएंगे u into v का फार्मूला। जैसे यहाँ x है और यहाँ y है, तब हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे चलेगा एक को मानेंगे u और एक को मानेंगे v। तो u into v का फार्मूला ये बोलता है कि u को बाहर करो, तो हम x को बाहर कर लिए, v का डिफ्रेंसिएशन यानी कि dy बटा dx। फिर बोलता है प्लस दो, अब की बार v को बाहर करो, चूंकि फार्मूला में हम लोग देखें तो v को बाहर करो, इसका मतलब v है यहाँ पे y, तो y को हम लोग बाहर करेंगे, तो किसका डिफरेंशिएशन, dx का डिफरेंशिएशन। अभी तक की ये जो पार्ट किए हम लोग प्यारे छात्रों, इसके इसके लिए स्पेशल किए हैं, यानी कि इतना की जगह पे इतना किए हैं u into v के फार्मूला को लगाकर। प्लस प्यारे छात्रों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y स्क्वायर है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे लेंगे चैन रूल, तो प्लस है तो प्लस दे दिया। अब डी वाई स्क्वायर बटा यहाँ पे देना होगा डी वाई, क्योंकि जो आधार रहता है आधार के रिस्पेक्ट में करते हैं, और नीचे वाला डी वाई को ऊपर ले जाके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप तो इसको देख रहे हैं, ये तो फार्मूला में है, ये तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट ये चूंकि इतना की जगह पे फार्मूला होता है इतना, तो इसके जगह पे इतना लिख दीजिए। अब डी इसमें नहीं लगाना है क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, प्लस उसके बाद क्या डी वाई बटा डी एक्स। चलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। पहले छात्रों इसका वैल्यू तो वन होता है, तो वाई का वाई छोड़ दिए, वाई को वन से गुणा करेंगे वाई, प्लस अब वाई स्क्वायर बटा डी वाई है तो टू को बाहर करेंगे तो यहां बन जाएगा वाई। डायरेक्ट समझिए, पावर को हम आगे कर लिए और आधार को आधार लिखे, यहाँ दो था तो एक घटेगा तो पावर एक रहेगा, इसको लिखे हुए नहीं हुए, लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। पहले छात्रों हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो जहां भी डी वाई बाई डी एक्स रहेगा उसको एक साइड लाना है, तो जहां जहां dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ लाइए, तो जहां भी dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ लाने का मतलब है कि एक dy बाई डी एक्स तो आपको यहां दिख रहा है, एक dy बाई डी एक्स यहां है, एक dy बाई डी एक्स यहां है, तो ये ऑलरेडी दोनों बाएं साइड है, बराबर के बाएं साइड है, हमको इसको लाना है बाएं साइड और इसको भेज देंगे राइट साइड, तभी ना dy बाई डी एक्स एक साइड हो जाएगा और इसको भेज देंगे राइट साइड, तो कुल मिलाकर कैसे हो जाएगा जरा देखते हैं, एक्स डीवाई बाई डी एक्स इसको लिखेंगे टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस डीवाई बाई डी एक्स, इसको जब लग रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और यहां प्लस वाई है तो इसको लिख देंगे माइनस वाई, यानी कि उधर जाएगा तो माइनस। अब चूंकि डिफरेंशिएशन करना है प्यारे छात्रों, इसका मतलब dy by dx निकालना है, और dy by dx कैसे निकलेगा, जब सब तरफ से कॉमन कर लेंगे, तो सिंपल अब dy by dx को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बच रहा है टू वाई, यहाँ क्या बच रहा है माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब हमको चूंकि dy by dx का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स का जो मल्टीपल में है उसको भेज देंगे इधर डिवाइड में, तो यहाँ पे अब जो बनेगा, इसलिए डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टा में क्या एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। अब जरा आंसर देखते हैं कि यही आंसर है, बिल्कुल ये आंसर अगर आपको नहीं भी मैच कर रहा है बुक से तो डेफिनेटली ये सही आंसर है। अब जरा आंसर को देख लेते हैं कि वो किस रूप में दिया है, क्या उसको चेंज करने का भी जरूरत है या फिर नहीं जरूरत है या फिर हो जाएगा ऐसे ही, जरा ट्राई करते हैं। तो 5.3 का बिल्कुल सेम आंसर है, x प्लस टू वाई माइनस वन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, बहुत बढ़िया आंसर है। तो
अभी फिलहाल इस चैप्टर में प्यारे छात्रों आपको दिख रहा होगा कि टू दी पॉइंट आंसर मिल रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप खुश नहीं हुई क्योंकि आगे हो सकता है हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करने में जो आंसर आएगा वो नहीं भी मिल सकता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। अब चलिए आगे का जो क्वेश्चन है 5.3 का पांचवा नंबर क्वेश्चन, प्यारे छात्रों पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हम लोग चार नंबर क्वेश्चन को किए हैं वैसे ही आप पांच नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, तो हम आपको होमवर्क्स के बेसिस पे आपको घर पे करने के लिए ये पांच नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे चार नंबर क्वेश्चन हम लोग किए हैं वैसे ही पांच नंबर क्वेश्चन को भी करना है, और वहां से डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको डीवाई बाई डीएक्स का मान निकालना है। तो अब पांच नंबर को छोड़ते हुए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बन जाना चाहिए, हालांकि फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन है x2 + x²y + xy² + y³ = 81। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों हम लोग करेंगे क्या, ये बहुत इजी है, हालांकि आपको करने का थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए अंदर से। यहां पे लिखेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा d x³/dx, यहां पे लिखना पड़ेगा d x²y/dx + यहां लिखना पड़ेगा d x²/dx d y³/dx = d 81/dx। तेरे छात्रों आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिसका फार्मूला हो सकता है उसका फार्मूला पे पुट कर लेंगे, ये तो डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, एक्स के आधार भी है और एक्स आधार है, तो इसका फार्मूला में तो हमको फार्मूला पे तो खुद है, बस इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिख देंगे। पावर में क्या है 3, तो बाहर निकाल लेंगे। आधार क्या है एक्स, तो एक्स लिख देंगे। पावर में 3 है तो एक घटाना है, हमेशा एक घटाते हैं, तो 3 में से एक गया 2, इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो चुका, प्लस लिखेंगे। अब जरा ये दोनों का मामला समझना है, हम बार बार कहते हैं कि कितने लोगों को यह समझ में आएगा कि सर एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, गए गलत हो जाएगा, कभी भी वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट का दो अक्षर है, लेटर है एक्स और वाई, इसलिए इसको हम लोग करेंगे यू इंटू भी पर, यानी कि एक्स स्क्वायर को मान लीजिए यू और वाई को मान लीजिए भी, यहां पे भी वही काम करेंगे, एक्स को मानेंगे यू और वाई स्क्वायर को मानेंगे भी, तो जरा यू इंटू भी पे तोड़ेंगे तो इसके जगह पे फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, भी का डिफ्रेंसिएशन मतलब dy/dx + अब की बार वाई को बाहर निकालेंगे तो यू का डिफ्रेंसिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ये इसका फार्मूला हुआ, फिर प्लस देंगे, प्लस दिए। अब यहां पे भी चूंकि एक्स है और इंटू में वाई स्क्वायर है, तो यहां पे भी हम लोग तोड़ेंगे यू इंटू भी का फार्मूला पे, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट का लास्ट का डिजिट है एक्स और वाई, डिजिट नहीं लेटर, इसलिए हम लोग इसको करेंगे यू इंटू भी पे, तो एक्स को जैसे ही बाहर निकालेंगे बचेगा क्या dy² / dx + जैसे ही y स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बनेगा क्या dx/dx। अब चूंकि इसका हो गया, अब इसको करने के लिए प्लस फिर से नीचे लिखते हैं, जगह नहीं होने के कारण dy³/dx। तो प्यारे छात्रों dy³ को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy के रिस्पेक्ट में, तभी ना फार्मूला पे आएगा, और इंटू dy/dx = अब d एकासी है, तो एकासी का मतलब क्या, कांस्टेंट, और हम लोग पहले सीखे हैं कि एक करोड़ का भी अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन करना बोलेगा उसका आंसर करते हैं 0, यानी कि एकासी रहे, एक रहे, -81 रहे, 55 रहे, सिर्फ
तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। तो अभी तक के ये प्रोसेस आ चुका है। चलिए इसके नीचे फिर से हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 3x² + x² (dy/dx) + y का y छोड़ देंगे और dx² का प्यारे छात्रों क्या होगा, तो पावर में 2 है तो बाहर निकाल लेंगे 2, आधार क्या है x और पावर में तो 1 होगा, यानी कि ये चूंकि फार्मूला पे था तो इसका डिफरेंसिएशन हम लोग कर दिए 2x, y तो ऑलरेडी बाहर है, फिर देंगे प्लस और x और y² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसको देखिए dy² / dx है तो इसको अच्छे से लिखिए dy² / dy (dy/dx). अब जो है इसी को हम लोग चेंज कर लिए चैन रूल में। प्यारे छात्रों जिसका डिफरेंसिएशन आप कर रहे हैं वहां पर डी नहीं लगाना, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंसिएशन हो चुका और इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी डिफरेंसिएशन नहीं हुआ है इसका, क्योंकि डी अभी तक के लगा हुआ है। डिफरेंसिएशन का जब भी आप लिखेंगे इसका मतलब जो करके लिखेंगे वहां पर डी नहीं लिखा जाता है। प्लस है प्लस दिया, y² और dx और dx का वैल्यू 1, तो ये y² को 1 से गुना करेंगे वही रहेगा। अब फिर नीचे आते हैं प्लस, हालांकि नीचे नहीं है आपके पास जगह है तो उसी में ऐड कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा प्यारे छात्रों, तो y के पावर 3 है तो यहां बनेगा 3, y के पावर कितना बनेगा तो यहां 3 है तो 1 घटेगा पावर 2 बचेगा (dy/dx) = 0। अब चलिए एक स्टेप और हम लोग चलते हैं, वो स्टेप ऐसा है कि अब जरा फटाफट लिखते हैं क्योंकि अब इधर काम तो नहीं है, 3x² + x² (dy/dx) + इसको अच्छा से लिखते हैं 2xy, ये अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं प्लस x, इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका वैल्यू 2y होगा, 2 को बाहर कर लेंगे और y का पावर 1 बचेगा और इनटू क्या (dy/dx) + y² + 3y² (dy/dx) = 0। प्यारे छात्रों अब हम लोगों को चूंकि डिफरेंसिएशन तो हो चुका, क्यों डिफरेंसिएशन हो चुका कि सिर्फ dy/dx ही दिख रहा है, इसके बाद बाकी अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो dy/dx को एक तरफ करेंगे, यानी कि अब dy/dx कहां कहां नजर आ रहा है जरा देखते हैं। एक dy/dx इस टर्म में है, एक dy/dx इस टर्म में है, आप कभी भी सिर्फ इसको नहीं लेंगे क्योंकि सब गुना में रहता है और dy/dx का साथ में रहता है। अच्छा फिर dy/dx यहां पे नजर आ रहा है, तो इस तीनों को एक साइड रखना है और बाकी सबको राइट साइड भेजना है, ताकि ये सबको एक तरफ रखेंगे तो dy/dx कॉमन कर लेंगे फिर, तो यहां बच रहा है x² (dy/dx), फिर यहां पे चलते हैं इसको भी जरा अच्छा से लिखते हैं 2xy (dy/dx). अब जरा इसके पास आते हैं 3y² (dy/dx) बराबर, इसको भी उधर ले जाएंगे तो -3x², इसको भी उधर ले जाएंगे तो -2xy, इसको भी उधर ले जाएंगे तो -y². अब जरा dy/dx को कॉमन करते हैं, तो यहां पे कॉमन करके क्या बचेगा (x² + 2xy + 3y² यही ना बचेगा (x² + 2xy + 3y² (dy/dx). अब चूंकि सब में माइनस है तो यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कर सकते हैं। प्यारे छात्रों कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को अच्छा लगने के लिए, ताकि माइनस को बाहर कर लेंगे तो बाकी सब प्लस में होगा, तो आप कर भी सकते हैं यहाँ छोड़ भी सकते हैं, हमको माने मतलब है नहीं, तो हम यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जा रहा है 3x² + 2xy + y². जब माइनस कॉमन किए तो यहाँ सब प्लस में हो जाएगा, इसके बाद बाकी तो जान ही रहे हैं क्या करेंगे हम, तो dy/dx इतना जो है गुना में है इसको कर देंगे भागा में पूरा को, तो इस तरीके से जो मेरा आंसर आएगा इतना अपॉन x² + 2xy + 3y². तो चलिए इसका भी आंसर को
देख लेते हैं कि किस फॉर्म में आंसर हमें दिया हुआ है, अगर चेंज करने का जरूरत पड़ा तो हम लोग इसको टू बी पॉइंट एट ए टाइम इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आंसर देख रहे हैं, आंसर दिया है 3x² 2xy + y². जी हाँ बिल्कुल, माइनस को कॉमन करके ही आंसर दिया है, तो आप यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तभी आंसर मैच करेगा, नहीं तो फिर इसको अगर छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया और इसके नीचे है x² 2xy 3y². तो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज हम लोग 6 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। अब जो 7, 8 और 9 है, तो आप प्यारे छात्रों 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, हम लोग 5.3 का जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन में कर चुके हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, तो उसी क्वेश्चन को देखकर आप 6 तक के क्वेश्चन तो अभी तक हम लोग किए हैं, तो 7, 8, 9 नहीं बनेगा प्यारे छात्रों, 8 तक, यानी कि 7 नंबर हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये 5.3 का जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पे एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब अगले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 8 से करेंगे, अगर आप सभी छात्रों का 8 में प्रॉब्लम नहीं होगा तो 9 नंबर से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। प्यारे छात्रों आप 8 नंबर भी आपसे बन जाएगा, प्लीज आप उसके लिए 7 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर से समझिए। आप ऐसा नहीं मानिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आप चीजों को जो जिसमें प्रॉब्लम है, आप थ्योरी में प्रॉब्लम है थ्योरी को एक बार देखो दो बार देखो चीजों को समझो, कोई चीज हार्ड नहीं है। तो आप अपने अंदर का जो विल पावर है उसको मत हारो, उसको मत खोने दो, आप बिल्कुल उसको जो चीज में प्रॉब्लम है उसको बार बार देखो, क्योंकि जो चीजें बार बार सुनने से देखने से जो चीज समझ में आता है आपको बहुत दिन तक रहता है। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं मानना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, बन ही नहीं रहा है, आप कॉपी कलम लेके बैठो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा आएगा। तो चलिए अगले क्लास में आगे की जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।